मालदीव को करारा जवाब देते हुए इसराइल ने लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन शुरू कर दिया है। दिल्ली में इसराइली राजदूत ने ये घोषणा की है। डीसैलिनेशन के तहत इसराइल समुद्र के पानी को पीने लायक बनाएगा, इससे लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जी हां, लक्षद्वीप को लेकर इसराइल ने बड़ा ऐलान करते हुए मालदीव को करारा जवाब दिया है। मालदीव को भारत और इसराइल दोनों पर एक साथ अपमानजनक टिप्पणी करना बेहद भारी पड़ा। हमास युद्ध में उलझे रहने के बावजूद इसराइल ने भारत से दोस्ती निभाते हुए मालदीव विवाद पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और लक्षद्वीप में समुद्री पानी को साफ करके पीने योग्य बनाने की योजना पर आज से ही काम शुरू कर दिया। भारत में इसराइल के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, हम केंद्र सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जा सके। इसराइल इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो लोग लक्षद्वीप के समुद्र के अंदर की सुंदरता से वाकिफ नहीं है उनके लिए कुछ शानदार तस्वीरें पेश कर रहे हैं। इसराइल ने इस तरह लक्षद्वीप की कुदरती खूबसूरती की जमकर तारीफ की और साथ ही वहां डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट लगाने की बात कर ये जता दिया कि वो भारत के साथ दोस्ती निभाना चाहता है और चाहता है कि लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मीठे पेयजल की उपलब्धता में कोई कमी ना रहे। यानी इसराइल भारत और पीएम मोदी के उस सपने में योगदान देना चाहता है जिसके तहत लक्षद्वीप को दुनिया के टूरिज्म मैप पर ऊंचे पायदान पर स्थापित करना लक्ष्य है। इसराइल ने जिस प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात कही है इसे लेकर 2017 में ही भारत के साथ करारा हो चुका है। जुलाई 2017 में मोदी इसराइल यात्रा पर गए थे जब उन्होंने वहां का अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्र देखा था। इसके बाद दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था जिसके तहत भारत के अंडमान और लक्षद्वीप में इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाना तय हुआ था। अब इस तकनीकी प्रोजेक्ट के शुरू होने से लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती में चार चांद लग जाएगा, क्योंकि अक्सर खूबसूरती समुद्री द्वीपों पर मीठे जल की कमी होती है और लक्षद्वीप भी उनमें से एक है। जबकि मालदीव में 190 के दशक में ही डीसैलिनेशन प्लांट लग गए थे, लेकिन अब लक्षद्वीप में इसराइल के डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट शुरू करने से लक्षद्वीप में साफ और मीठे पानी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पर्यटकों को लक्षद्वीप में ज्यादा सुविधा मिलेगी, लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, पर्यटक मालदीव से ज्यादा लक्षद्वीप की ओर आकर्षित होंगे। मालदीव की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर यह सीधी चोट होगी। इसराइल का यह कदम मालदीव को सीधा जवाब है, क्योंकि लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए पीएम मोदी की अपील पर ही मालदीव के मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। मालदीव के मंत्रियों की तरफ से खड़ा किया गया यह विवाद खुद वहां की मौजूदा सरकार के गले की फांस बना हुआ है। लक्षद्वीप और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले मंत्रियों को हटाकर मुइजू सरकार ने विवाद कम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन लक्षद्वीप का मजाक उड़ाने वाले मालदीव का खुद अपने पर्यटन पर पड़ने वाली भारी चोट से बचना अब मुश्किल है। खैर, इस खबर में इतना। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।